हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड गाइस, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे दोस्तों, ये जो घटना चक्र की पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की, इसमें ऑलरेडी हमने चार वीडियो ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने बहुत सारा कॉन्टेंट ऑलरेडी कवर कर लिया है। हाफ ऑफ द बुक हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड, चैप्टर 5 तक हो चुका है। इसमें चैप्टर 6 जो है वो प्लानिंग है, जिसको हम इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल पे नए हैं, ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए कवर करते हैं प्लानिंग को इस वीडियो में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आ गए हम प्लानिंग वाले पेज पे। पहला पॉइंट क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द टारगेट्स ऑफ फ्यूचर, दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड टेक डिसीजन रिगार्डिंग मींस टू अचीव देम इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, सबसे पहले समझिए कि आपने एक गोल सेट किया है, टारगेट सेट किया है कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम में, मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप 2000 करोड़ का बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ डेवलप करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग करेंगे। तो वो टारगेट को अचीव करने के लिए, मान लीजिए आपने सोचा है कि 1000 किलोमीटर का रोड बनाना है आपको, तो ये भी प्लानिंग आप करेंगे पहले। तो सबसे पहले तो क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, इसको करने के लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कब ये काम करेंगे, तो इसे ही हम प्लानिंग कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द टारगेट ऑफ द फ्यूचर, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड टेक डिसीजन रिगार्डिंग मींस टू अचीव दैट। अब क्या उसका मींस क्या होगा, तरीका क्या होगा, क्या मेथडोलॉजी आप अपनाएंगे ताकि वो टारगेट को अप्रोच किया जा सके, अचीव किया जा सके, यही प्लानिंग कहलाती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लानिंग का, तो देखिए इकोनॉमिक टर्म्स में देखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्लानिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव है। जब मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूँ तो मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ कि भैया हमें इतना ग्रोथ लेना है क्वांटिटेटिवली, ठीक है। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि हम 100% पे आज हैं, तो हमें 7% का ग्रोथ लेना है, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी कहा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी तो देश की तरक्की होगी। तो प्लानिंग का मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इसके अलावा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट भी प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। हम प्लान जब करते हैं कोई भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, तो हम देखते हैं कि वैसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पर ज़्यादा पैसा देंगे तो वहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इसके अलावा रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, दैट इज़ डिस्पेरिटी। कहने का मतलब है कि देखिए भारत में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो 80% पैसा है वो 20% लोगों के पास है, और जो रिमेनिंग 20% पैसा है वो 80% लोगों के पास है। तो इनकम इनइक्वालिटी तो है, तो इसको भी कम करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग का। इसके अलावा पॉवर्टी एक मेजर जो है इशू है हमारी सोसाइटी का, हमारी कंट्री का, तो उसको डिक्लाइन करवाना भी ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का। इसके अलावा इकोनॉमी को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, मॉडर्नाइजेशन की बात जब हम कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ के कैसे हम मॉडर्नाइज करें, टेक्नोलॉजी को लेके आएँ, मशीनरी को लेके आएँ, तमाम चीज़ें करें ताकि इकोनॉमी हमारी मॉडर्नाइज हो जाए। एग्रीकल्चर से बढ़ के हम मैन्युफैक्चरिंग से फर्दर जो है टर्सरी सेक्टर, यानी कि हम आए सर्विस सेक्टर पे, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे हमारी इकोनॉमी का। लास्ट वन इज़ टू इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सब कुछ तो यही है, सोशल जस्टिस जब मैं बोल रहा हूँ तो सोशल जस्टिस तभी आता है जब आपका प्लानिंग सही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको मिले, हाउसिंग सबको मिले, वाटर की फैसिलिटी सबको, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हो, तो ये सोशल जस्टिस दिलाता है। एक आदमी के पास है दूसरे के पास नहीं है तो इक्वालिटी नहीं कही जा सकती है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का कि सोशल जस्टिस को अचीव किया जा सके। नाउ विल सी सम
वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, कैसे हमारा प्लानिंग जो है इवॉल्व हुआ, कौन कौन सी एक्टिविटी हमने की और क्या हमारे स्टेप्स रहे कि हमने अपनी प्लानिंग को कैसे किया, वो देखेंगे वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया में। तो पहला यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है, द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वॉज एडॉप्टेड फ्रॉम द अर्स्टवाइल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया, USSR कहते हैं इसे। USSR तो आज की डेट में है नहीं, 1991 में ही टूट गया था मिखाइल गोरबाचेव के समय में। बट इकोनॉमिक जो प्लानिंग है वो बोल्शेविक प्लान जो था उनका, जो रसिया का बोल्शेविक जो रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग उन्होंने किया, तो वहाँ से हमने ये लिया है। ठीक है, ये आइडिया हमने वहीं से लिया है। फिर कहता है कि प्लानिंग इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम जानते हैं कि तीन तरीके के लिस्ट हैं हमारी पॉलिटी के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कौन कौन सी है, एक तो यूनियन लिस्ट है, दूसरा स्टेट लिस्ट है और तीसरा कंकरेंट लिस्ट है। तो जो प्लानिंग है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। जब मैं बोल रहा हूँ कि कंकरेंट लिस्ट में आता है तो इसका मतलब ये है कि स्टेट भी अपनी प्लानिंग कर सकता है और सेंटर तो कर ही सकता है। ठीक है, मतलब दोनों के पास ये पावर है कि इस पे वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग इज़ ए कंकरेंट मैटर। अगर ये यूनियन लिस्ट में होता तो प्लानिंग ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कर पाती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाती। अगर कंकरेंट में है इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्लानिंग कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला पॉइंट है कि द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाई M. Viswasaraya। बहुत बड़े ये इकोनॉमिस्ट थे। इनकी एक किताब थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में, उसमें पहली बार जो आइडिया है इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया का वो हमने वहाँ पे प्रेजेंटेड देखा। उस बुक में लिखी गई है ये बातें। ठीक है, तो ये सवाल आता है, फैक्ट है तो पूछा जाता है कि द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाई हुम एंड इन विच बुक। तो ये सब दोनों पता होना चाहिए कि M. Viswasaraya साहब ने ये आइडिया दिया था, उनकी किताब थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, 1934 में पब्लिश हुई थी। इन 1934 ओनली ए डायर नीड ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वॉज रिकमेंडेड बाई फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, फिक्की जी से कहते। फिक्की ने बोला कि नहीं भैया, इसी साल में 1934 में बोला था कि हमारे कंट्री में प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरत है, और प्लानिंग अगर आएगी तो हम डिफरेंट सेक्टर्स को डेवलप कर पाएंगे, प्लान्ड एक्टिविटी रहेगी, हमारा रिसोर्स टारगेटेड खर्च होगा। तो ये फिक्की ने कहा था। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंट प्लान्स जो आए थे। सबसे पहला प्लान जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है कांग्रेस प्लान, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी एट द इनिशिएटिव ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस, और उस समय चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। तो जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी कि भैया प्लानिंग कमेटी बनाइए और प्लान किया जाए, तो ये इनिशिएटिव उस समय के कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और इसके जो प्लानिंग कमेटी बनी थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, उसके चेयरपर्सन कौन थे, वो चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू साहब। तो दोनों बड़े नाम हैं आप देख सकते हैं, और दोनों सोशलिस्ट थे नेचर के हिसाब से। फिर आता है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान जो आया था ये 1944 में आया था। ये एक ऐसा प्लान था, दिस वॉज प्रिपेयर्ड बाई ए ग्रुप ऑफ 8 इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसमें बिरला, जी डी बिरला जिनका नाम था, पुरुषोत्तम दास टंडन और तमाम जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस समय के, बजाज, ये सब लोग मिलके, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े मिलके ये प्लान को तैयार किया था फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विच वॉज टर्म्ड एज बॉम्बे प्लान। ठीक है, फिर आता है गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान जो था ये प्रेजेंट किया था, गांधी जी ने नहीं किया था, हमेशा डाउट रहता है कि गांधीयन प्लान क्या गांधी जी ने ही प्रेजेंट किया था, नहीं, ये 1914 में आया जरूर था लेकिन गांधी जी ने इसे प्रेजेंट नहीं किया था। उनके एक डायर फैन, डायर फॉलोअर जिसे कहते हैं, डाई हार्ड फॉलोअर जो थे, श्री राम नारायण अग्रवाल, इन्होंने ये प्लान प्रेजेंट किया था। बेसिकली इसमें कॉटेज इंडस्ट्री की बात की गई थी, मतलब जो गांधीयन आइडिया थे उसको प्रेजेंट किया था गांधीयन प्लान में श्री राम नारायण अग्रवाल ने। फिर आता है पीपुल्स प्लान। तो जो ये पीपुल्स प्लान आया था ये 1945 में आया था। इट वाज ए रेडिकल ह्यूमनिस्ट लीडर M. N. Roy के द्वारा पेश किया गया था, प्रेजेंटेड बाय M. N. Roy जो कि रेडिकल ह्यूमनिस्ट लीडर थे। इन्होंने प्लान, पीपुल्स प्लान जो है प्रेजेंट किया था, 1945 में ये आया था।
फिर आता है सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान जो है ये रिनोड सोशलिस्ट लेबर लीडर जो कि बिहार के निवासी थे, ठीक है, सीताब दियारा के, जयप्रकाश नारायण साहब ने इसे पेश किया था, ठीक है, सर्वोदय प्लान बोला गया 1950 में, ठीक है, ये भी आइडिया अच्छा था सर्वोदय वाला, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। अब हिस्ट्री हम जान लेते हैं प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 15 मार्च 1950 को हुआ था। अच्छा, एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये बनी थी, तो ये कमेटी थी नियोगी कमेटी, नियोगी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी थी। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस पर नियोगी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि प्लानिंग कमीशन का गठन होना चाहिए। और ये जब प्लानिंग कमीशन बना, तो ये देखिए प्लानिंग कमीशन जो था ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, ठीक है, और ये कोई ऐसी बॉडी थी जिसको एक्ट ने भी नहीं पास किया गया था, किसी एक्ट में नहीं आया था, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थी। बट ये एक कैबिनेट रिजोल्यूशन से पास करके इसको बनाया गया था। और मुद्दे की बात ये है कि प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के होने के बाद भी बावजूद, इनफैक्ट ये फाइनेंस कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, FC फाइनेंस कमीशन, उसको कंट्रोल में रखती थी अपने, ठीक है, बट ये अलग मैटर है। नेचर क्या है इसका, नेचर एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ओनली एडवाइजरी बॉडी थी, बट इसका एडवाइस इतना स्ट्रांग होता था कि इसे काटा नहीं जा पाता था, ठीक है, काट नहीं सकते थे। कंपोजिशन क्या था, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इसके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। आज के डेट में ये बॉडी नहीं है, आपको बता दें कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया, यानी कि ये ख़त्म हो गया उसी डेट से। डिप्टी चेयरमैन इसके अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के ही द्वारा, ठीक है, चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो तो यही वही रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो डिप्टी चेयरमैन रहते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं हमारे PM के द्वारा। फर्स्ट चेयरमैन इसके जवाहरलाल नेहरू साहब थे, बिकॉज उस समय PM वही थे, तो फर्स्ट चेयरमैन भी वही बने। फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन गुलजारीलाल नंदा को बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। एबोलिशन इसका हो गया आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक टीम इंडिया हब करके थिंक टैंक, तमाम चीज़ें इसमें हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इसने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को। 1 जनवरी 2015 के बाद प्लानिंग कमीशन जो है एबोलिश हो गया। अब हम चर्चा करेंगे NDC की। NDC का फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाती है तो उसमें ये इसका नाम आता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। मेंबर्स इसके बहुत सारे लोग होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स मैक्सिमम इसके मेंबर होते हैं। जितने भी स्टेट हैं उनके चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर दो जो ऐसी अभी फ़िलहाल UT है जिनमें खुद का लेजिस्लेचर है, उनके भी चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर ऑब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल UTs यानी कि यूनियन टेरेटरीज इसके मेंबर होते हैं। और मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन यानी नाउ अब नीति आयोग हो चुका है, तो नीति आयोग के भी कुछ मेंबर इसमें मेंबरशिप रहता है उनका। अब हम डिस्कस करेंगे, प्लानिंग हमने देख लिया, डिफरेंट प्लान्स देख लिए, बॉम्बे प्लान देखा हमने, सर्वोदय प्लान देखा हमने, गांधीयन प्लान देखा हमने, और कांग्रेस प्लान देखा हमने, बहुत सारे प्लान हमने देख लिए। बट अब बारी आ गई है 5 ईयर्स प्लान की। 5 ईयर प्लान्स हमने बहुत फॉलो किया, इनफैक्ट 2017 तक वाला प्लान चलता ही रहा है। तो 5 ईयर प्लान की चर्चा करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखते हैं। 5 ईयर प्लान का मतलब है कि 5 साल के लिए प्लानिंग, ठीक है, एक टारगेट सेट कर लिया जाता था कि 5 साल में हमारा ये अचीवमेंट हमें लेना है, तो उसे 5 ईयर प्लानिंग हमने एक बार की, और उसमें फिर हमने एसेस किया कि क्या प्लानिंग हुई कि नहीं ऐसे करके। तो हर प्लान का एक पीरियड, हर प्लान का कुछ ऑब्जेक्टिव, हर प्लान की प्रायोरिटी, ये सब होती थी, टारगेट ग्रोथ रेट रखते थे, तो वो सब देखेंगे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो 1951 से 56 तक था, 1951 से 56 तक था, एंड ये एक मॉडल पे बेस्ड था। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, स्टार लगा देता हूँ कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो किस मॉडल पे बेस्ड था, तो ये मॉडल था हैरोड डोमर मॉडल, ठीक है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है इसलिए मैं स्टार लगा दिया
कि जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था एक मॉडल पे बेस्ड था। इस मॉडल का नाम है हैरोड डोमर मॉडल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि ग्रोथ होगा इकोनॉमी का, लेकिन बैलेंस्ड ग्रोथ करना है, बैलेंस्ड ग्रोथ करना है। इसकी प्रायोरिटी एग्रीकल्चर थी, प्राइस स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना इसकी प्रायोरिटी थी। इसने जो है टारगेट सेट किया था कि ग्रोथ रेट जो हमारा होगा वो 2.1% का हम रखते हैं कि ग्रोथ रेट इतना हमारा रहेगा, बट इससे ज़्यादा ही इसने अचीव किया, यानी कि इसका जो अचीव्ड ग्रोथ रेट था वो 2.1 से कहीं ज़्यादा 3.6% था। ठीक है, पार्टिकुलर इसके बारे में क्या है, इस पर्टिकुलर प्लान में कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें स्टार्ट किया गया था इसी पीरियड के दौरान, फर्स्ट प्लान के दौरान, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के दौरान। और ये जो डेट है जब ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान जो प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी की जयंती के दिन 1952 को ये स्टार्ट हुआ था। फिर आता है सेकेंड फाइव ईयर प्लान, इसका पीरियड जस्ट बाद उसके फर्स्ट के वाले के बाद 56 से लेकर 61 तक रहा, 1956 से 1961 तक रहा। इसका भी एक बेस था जो कि मॉडल था एक, ये पीसी महाबोलोनिस जो कि बहुत बड़े स्टैटिस्टियन थे इंडिया के, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स इनको बोला जाता है, इनके मॉडल पे ये बेस्ड था सेकेंड फाइव ईयर प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रायोरिटी इन्होंने क्या सेट किया था इस प्लान में, प्रायोरिटी जो सेट की गई थी वो की गई थी कि एग्रीकल्चर, पहले हमने देखा था कि पहले वाले में एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया गया था, बट सेकेंड वाले प्लान में बोला गया कि नहीं, आज के डेट में अगर ग्रोथ चाहिए तो इंडस्ट्री पर फोकस करना पड़ेगा। तो इन्होंने फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का टारगेट रखा, इसमें प्रायोरिटी सेट किया, उसमें भी हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, हेवी और बेसिक इंडस्ट्री वैसी इंडस्ट्री होती है जो किसी भी इकोनॉमी की जान होती है। बेसिक इंडस्ट्री यानी कि स्टील, पावर, नेचुरल गैस, ऑयल, ये सब बेसिक इसलिए है क्योंकि इसके बिना बाकी जो सेक्टर्स है, इंडस्ट्रीज है, वो ग्रो नहीं कर पाएंगी, ये इनपुट है उनके लिए। तो हेवी और बेसिक इंडस्ट्री पे फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का फोकस रहा। टारगेटेड ग्रोथ रेट इसका रखा गया था 4.5 का, बट इतना अचीव नहीं हो पाया, जस्ट उससे बिलो रहा, बट ठीक है, 4.3% का भी ग्रोथ रेट कम नहीं था। क्या इसके बारे में पार्टिकुलर बातें हैं वो जान लेते हैं। पहली बात है कि स्टील प्लांट वॉज इस्टेब्लिश इन भिलाई विद द हेल्प ऑफ रसिया। ठीक है, स्टील प्लांट बहुत जगह इस्टेब्लिश किए गए, बिकॉज स्टील प्लांट जो है, ये बेसिक इंडस्ट्री में आता है, स्टील हर जगह यूज होता है। तो भिलाई में जो स्टील प्लांट बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, वो रसिया के मदद से किया गया था। दुर्गापुर यानी कि वेस्ट बंगाल में जो स्टील प्लांट लगा वो ब्रिटेन की हेल्प से लगा। राउरकेला उड़ीसा में जो लगा वो जर्मनी के हेल्प से लगा। इसी दौरान, इसी पीरियड के दौरान इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 भी आई, फॉर्मुलेट हुई, सोशलिस्ट पैटर्न पे ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1956 वाली। फिर आता है थर्ड फाइव ईयर प्लान। थर्ड फाइव ईयर प्लान का पीरियड जो था ये 1961 से लेकर 66 का पीरियड था। इस दौरान काफ़ी दिक्कतें आईं। दिक्कत ये आई कि चाइना के साथ वार छिड़ गया, तो इसका जो बेसिस था वो था जॉन सैंडी एंड एस चक्रवर्ती मॉडल के बेसिस पे ये बेस्ड था। प्रायोरिटी क्या था? सेल्फ रिलायंट बनना था हमें, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनना था, मतलब इनवर्ड लुकिंग हम देख रहे थे, बोला कि हम वर्ल्ड पे क्यों डिपेंडेंट रहें, हम अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे कि वर्ल्ड में कुछ भी हो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग खड़ी रहे, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाएंगे, ये इसकी प्रायोरिटी थी। टारगेटेड ग्रोथ रेट इसका था 5.6% का, अचीव हुआ बहुत कम। रीजन क्या था? वही चाइना के साथ वार वगैरह, 2.8% ही अचीव हुआ। इंडियन इकोनॉमी इंटर्स इनटू टेक ऑफ स्टेज, इस समय टेक ऑफ स्टेज हुई, बट इसी दौरान इंडिया ने दो वार झेले, चाइना के साथ एक 1962 में और दूसरा पाकिस्तान के साथ 1965 में, जो बॉर्डर मूवी बनी है 1965 वाली वार पे ही बनी है। ठीक है, जिसमें सनी देओल को आपने देखा है, तो इस वजह से इसका जो है ग्रोथ इतना नहीं हो पाया। अब ये जो वार दो हो गए थे इससे इकोनॉमी की हालत जर्जर हो गई थी, इतना पैसा हमारे पास था नहीं, तो हमने प्लान हॉलीडे लिया और उस प्लान हॉलीडे में मतलब हमने 5 ईयर की प्लानिंग छोड़ी उस समय और हमने 3 लगातार एनुअल प्लान लॉन्च किए 1961 से लेकर 69 के बीच में। और इन तीनों का जो फोकस था, ओवरऑल प्रायोरिटी जो था वो था एग्रीकल्चर पे फोकस करना,
खासकर फूड ग्रेन पे, क्योंकि उस समय अकाल पड़ने लग गया था, फूड ग्रेन की कमी भारत में साफ साफ दिख रही थी। उसके बाद ही इनफैक्ट जो है ग्रीन रिवोल्यूशन आया है। ठीक है, तो इम्फेसिस जो था, फोकस जो था वो एग्रीकल्चर पे दिया गया, स्पेशली फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे। पार्टिकुलर क्या था, ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन दिस पीरियड ओनली। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन से हमारे देश में एटलीस्ट फूड के टर्म्स में हम सेल्फ रिलायंट हो चुके थे। HYV सीड्स यूज करके केमिकल फर्टिलाइजर, तमाम चीज़ें ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। फिर आता है फोर्थ फाइव ईयर प्लान, इसका पीरियड जो था, ये पीरियड था 1969 से लेकर 1974। इसका जो बेसिस था वो अशोक रुद्रा और अदर्स के इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड था। ठीक है, अशोक रुद्रा और अदर्स कुछ लोग थे इनके साथ में, उनके इंस्ट्रक्शन पे ये बेस्ड था। प्रायोरिटी इसकी क्या थी, प्रायोरिटी इसकी थी इकोनॉमिक ग्रोथ करना बट विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट। बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए बट स्टेबिलिटी के साथ, हमारे इकोनॉमी में कोई इनस्टेबिलिटी ना है। मतलब ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है बट स्टेबल नहीं है, कुछ दिन ग्रोथ होगा उसके बाद डाउन हो जाएगा। तो सस्टेनेबल ग्रोथ या फिर स्टेबल ग्रोथ की टारगेट जो है प्रायोरिटी इसमें ली गई, और सेल्फ रिलायंट इसमें भी फोकस किया गया कि सेल्फ रिलायंट बनेंगे इकोनॉमिक टर्म्स में। टारगेटेड ग्रोथ रेट यहाँ पे हाई लिया गया था 5.7% का, बट अचीव नहीं हो पाया। अचीव जो हुआ वो 3.3% का हुआ। इस दौरान भी दिक्कतें रहीं क्योंकि बांग्लादेश को आज़ाद करने वाली लड़ाई इसी समय में छिड़ी थी। इम्फेसिस वॉज गिवन टू एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगेन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था, और इंदिरा गांधी के आदेश पे तो इतनी कठोरता से इसको पालन किया गया कि ट्रेन में लोगों को पकड़ पकड़ के उनका नसबंदी किया जा रहा था। तो डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच जो है, डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच वॉज स्टार्टेड टू रिमूव रीजनल डिस्पेरिटी। देखा जा रहा था इस प्लान के दौरान कि रीजनल डिस्पेरिटी आ रही है, मतलब कि कोई एरिया जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कोई बहुत कम कर रहा है। तो डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच लाया गया कि भैया हर जगह पे जो है ग्रोथ आए। और इसी दौरान जो है हम जानते हैं कि बैंकों का जो है प्राइवेटाइजेशन जो था उसको नेशनलाइज इनफैक्ट किया गया था। इसी दौरान जो है इंडो पाक वार हुआ 1971 का, दिस वॉज फॉट ड्यूरिंग दिस प्लान। तो हमने फोर्थ देख लिया, ठीक है, फोर्थ देखा था हमने, फिफ्थ कहीं बोला था मैंने, फिफ्थ नहीं था, ये फोर्थ था। अब हम देखेंगे फिफ्थ फाइव ईयर प्लान। तो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान भी काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि जनता पार्टी भी आई थी इस दौरान में, और कांग्रेस ने भी इस प्लान को फॉलो किया था। मतलब स्टार्ट तो उसी ने किया था, फिर बाद में फिर इंदिरा गांधी का इमरजेंसी, तमाम चीज़ें, उनका सरकार का गिरना, जनता पार्टी का आना, फिर दोबारा कांग्रेस का आना, बहुत सारी चीज़ें फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में हुई थी। तो इसका पीरियड था 1974 से 1979। फाइनल ड्राफ्ट ऑफ प्लान वॉज प्रिपेयर्ड एंड इशूड बाई DP धर। ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट जो था इस प्लान का, इट वॉज प्रिपेयर्ड एंड इशूड बाई DP धर। प्रायोरिटी क्या रखा गया, प्रायोरिटी वॉज गिवन टू इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी इरेडिकेशन यानी कि गरीबी हटाओ। और एक जुमला उसी समय निकला था कि गरीबी क्या हटाओगे तुम लोग, गरीबों को ही हटा दोगे। तो गरीबी हटाओ वाला नारा जो है ये पूछा जाता है बार बार किस प्लान में दिया गया था, तो ये फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में दिया गया था। सेल्फ रिलायंस अगेन चलता रहा। टारगेटेड ग्रोथ रेट जो था वो 4.4% का था, इससे ज़्यादा अचीव किया हमने, इससे ज़्यादा किया, यानी कि अचीव्ड जो ग्रोथ रेट था वो 4.8% का था। मिनिमम नीड प्रोग्राम आया, मिनिमम नीड प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1974। टारगेट ऑफ मिनिमाइजिंग एक्सटर्नल एड टू जीरो, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इसी दौरान हुआ। फोकस वॉज ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 20-point प्रोग्राम। अब ये 20-point प्रोग्राम जो था ये ऐसा था कि जैसे डेयरी है तो डेयरी के ऊपर प्रोग्राम आएगा, फिर वैसे ही कुछ और एरिया है, तो ऐसे 20 एरिया चुने गए 20-point प्रोग्राम में, और उन पर डिफरेंट पैसा लगाया गया और उसको, उस सेक्टर को ग्रो किया गया। एक्विजिशन ऑफ होलसेल ट्रेड ऑफ वीट। पार्टिकुलर क्या रहा, पार्टिकुलर ये रहा कि भैया प्लान वॉज एबोलिश्ड बाई जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1978। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इमरजेंसी हुई थी, दोबारा इलेक्शन हुआ, सरकार गिरी इंदिरा गांधी की, और जनता पार्टी बहुत ही बहुमत से जीत के आई थी। फिर आता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान जो था ये
इसका जो आइडिया था वो गुन्नर मिर्दल ने दिया था, और ये रोलिंग प्लान जो था ये एक नया प्लान था, सिक्स्थ प्लान था, 1978 से 83 का ये प्लान था। दिस वॉज स्टार्टेड बाई जनता पार्टी, इसी का नाम ये रोलिंग प्लान रखा था इन्होंने। इसमें जो इन्फेसिस दिया गया था वो दिया गया था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, इसका फोकस था, ठीक है। लेकिन फिर वही दोबारा कांग्रेस 80 में चुन के आ गई, तो फिर उसने उसको ख़त्म कर दिया और नया प्लान फिर से लेके आई, सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान, ठीक है। वो 1978 से 83 वाला प्लान कैंसिल हो गया, और ठीक है, तो ये जो सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान आया, इसका पीरियड था 1980 से लेकर 1985। प्रायोरिटी क्या थी? कंटिन्यूस डिक्लाइन हो पॉवर्टी का, और अनएम्प्लॉयमेंट का भी डिक्लाइन हो, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जेनरेट हो और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो, इसका प्रायोरिटी था। टारगेटेड ग्रोथ रेट जो रखा गया था वो 5.2% रखा गया था, और इसे अचीव भी किया गया, इससे इनफैक्ट ज़्यादा ही किया गया, 5.7% का अचीव किया गया, तो अच्छा प्लान था ये। एंड एफर्ट वॉज मेड फॉर सस्टेन्ड रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू द वेरियस स्कीम्स लाइक ट्राइसेम, IRDP, NREP, ये सब कुछ प्लान थे, स्कीम्स थे, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा NREP, सब ये प्रोग्राम लाएगा। एफर्ट्स वॉज ऑल्सो मेड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, काफ़ी ज़्यादा उस समय पॉपुलेशन बढ़ रहा था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इनफैक्ट इसमें वही जो नसबंदी वगैरह सब किया गया। सेवेंथ फाइव ईयर प्लान आया, इसका पीरियड 1985 से 1990 का रहा। ऑब्जेक्टिव क्या था भैया? इसका ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव द ग्रोथ रेट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसमें अगेन ग्रोथ रेट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात की गई कि भैया फूड की शॉर्टेज ना हो लोगों के पास, एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इसका टारगेट था। प्रायोरिटी क्या रखा गया कि गिविंग फोकस ऑन फूड वर्क प्रोडक्टिविटी, अटैक द ऑन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डिस्पेरिटी, इसका टारगेट था। कहने का मतलब उस समय देखा जा रहा था कि फूड की शॉर्टेज भी थी और कहीं कहीं फूड था भी तो लोग खरीद नहीं पा रहे थे, तो वर्क फॉर फूड प्रोग्राम, इस तरीके की चीज़ें, वर्क प्रोडक्टिविटी, पॉवर्टी पे अटैक करना, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, और रीजनल डिस्पेरिटी भी काफ़ी देखी जा रही थी। कुछ स्टेट बहुत गरीब होते जा रहे थे, कुछ स्टेट ठीक ठाक चल रहे थे, कुछ बहुत अमीर हो रहे थे, तो रीजनल डिस्पेरिटी ना हो इसके भी फोकस किया गया। फास्टर ग्रोथ रेट इन कंपैरिजन टू हिंदू ग्रोथ रेट, ठीक है। टारगेटेड ग्रोथ रेट रखा गया 5% का, अचीव किया गया 6%, तो अच्छा रहा। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड, ठीक है, जिसमें रूरल डेवलपमेंट में तमाम फोकस किया गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। बोला शहर तो डेवलप हो जाएगा बट रूरल का क्या है, तो उसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रखा गया। होल फैमिली वॉज अडॉप्टेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IRDP स्कीम, फैमिली वॉज टेकन एज ए यूनिट फॉर डिफाइनिंग पॉवर्टी लाइन अंडर IRDP। तो IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फैमिली को एक यूनिट माना गया कि भाई फैमिली, होल फैमिली गरीब है कि नहीं ये देखो, एक बंदा दो बंदा मत देखो, पूरी फैमिली देखो, यूनिट फैमिली को रखा गया। सो ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एट सेंटर, एट्थ प्लान वॉज पोस्टपोन्ड फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। और इसी दौरान जो है, इसके बाद इनफैक्ट 1990 से 1991 वाला फाइनेंशियल ईयर और 1991 से 1992 वाले फाइनेंशियल ईयर में दो एनुअल प्लान आए, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी और हमने IMF को अप्रोच किया, वहाँ से हेल्प लिया, तो उस बीच में प्लानिंग नहीं आई, एनुअल प्लान आए, फाइव ईयर प्लान के जगह पे एनुअल प्लान आया। फिर आता है एट्थ फाइव ईयर प्लान, जिसका पीरियड था 1992 से लेकर 1997 का, ठीक है। एट्थ फाइव ईयर प्लान का पीरियड था 1992 से लेकर 1997, एंड इट वाज बेस्ड ऑन जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पे बेस्ड था। प्रायोरिटी क्या थी? ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि शिक्षा, यानी कि उनका हेल्थ, उस पर फोकस करना, ताकि ह्यूमन ह्यूमन ही ना रहे, रिसोर्स बन जाए, शिक्षित व्यक्ति एक ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, ठीक है।
ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, इरिगेशन वेर ऑन फोकस, ह्यूमन डेवलपमेंट वेर रिगार्डेड एज जीस्ट ऑफ ऑल द डेवलपमेंट एफर्ट्स। बोला कि जिस देश के नागरिक ही डेवलप नहीं है वो कैसे उस देश का डेवलपमेंट करेंगे। तो नागरिकों पे फोकस करो, ह्यूमन पे फोकस करो, यानी कि उनकी शिक्षा, उनके हेल्थ पे फोकस करो। टारगेटेड ग्रोथ रेट था 5.6% का, अचीव हुआ उससे ज़्यादा, 6.8% का अचीव हुआ। फिर आता है नाइन्थ फाइव ईयर प्लान। नाइन्थ फाइव ईयर प्लान का जो पीरियड था वो 1997 से लेकर 2002 का ये पीरियड था, ठीक है। नाइन्थ फाइव ईयर प्लान का पीरियड क्या था, 1997 से लेकर 2002 का ये पीरियड था। प्रायोरिटी क्या फोकस किया गया, प्रायोरिटी ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। ग्रोथ ऐसा हो जिसमें सोशल जस्टिस मिले और इक्वालिटी मिले, यानी कि समाज के हर वर्ग के पास उस ग्रोथ का फ़ायदा पहुँचे। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म वेर स्टार्टेड अलॉन्ग द लिबरलाइजेशन, ठीक है। हम जानते हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इस समय शुरू हुआ था, तो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिफॉर्म तो इसी पीरियड में हुआ था। टारगेटेड ग्रोथ रेट रखा गया 6.5% का, और ग्रोथ रेट जो हमने अचीव किया वो 5.7% के आसपास अचीव किया। फिर आता है टेंथ फाइव ईयर प्लान, जिसका पीरियड था 2002 से लेकर 2007। टारगेटेड ग्रोथ रेट था 8% का, और इसी के आसपास हमने अचीव भी किया 7.6%। और यहाँ पे हमने अपनी इकोनॉमी में अपने फाइव ईयर प्लान को मोनिटरेबल टारगेट्स में डिवाइड किया फॉर 11 इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। बोला कि अब ऐसा नहीं कि एक कोई प्लान लेके आए और उसमें कुछ एजेंडा था, वो एजेंडा 5 साल में हुआ नहीं हुआ, आपने उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। बोला कि हम इसको मोनिटरेबल टारगेट में रखेंगे, इस बार नहीं हुआ तो अगले बार देखेंगे क्या वो अचीव हो रहा है कि नहीं, असेसमेंट करेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो मोनिटरेबल टारगेट रखा गया। 11th फाइव ईयर प्लान का पीरियड था 2007 से लेकर 2012। प्रायोरिटी क्या थी, टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि ऐसा ग्रोथ जो इवन डाउन ट्रोडन तक पहुँचे, समाज के हर वर्ग तक पहुँचे, दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। Everybody is beneficial out of it. इस ग्रोथ का फ़ायदा सबको पहुँचे। टारगेटेड ग्रोथ रेट था 9% का, बट अचीव हुआ 8% के आसपास। टारगेटेड गोल जो था, ऑब्जेक्टिव जो था, वो 9% का एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ GDP था, बट 4% ग्रोथ एवरी ईयर इन एग्री GDP। एग्रीकल्चर वाले में कम होता था, तो उसमें बोला गया कि एग्रीकल्चर की GDP में जो ग्रोथ हो वो 4% के आसपास हो, ठीक है। फिर आता है 12th फाइव ईयर प्लान। तो इसका पीरियड क्या था, 12th फाइव ईयर प्लान का पीरियड था 2012 से लेकर 2017 तक का इसका पीरियड था। इस समय जो प्रायोरिटी थी वो थी फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब इकोनॉमी फास्टर ग्रो करे, सस्टेनेबली ग्रो करे, और जो ग्रोथ हो वो इंक्लूसिव हो। जब इंक्लूसिव बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि समाज के हर वर्ग तक उसका बेनिफिट पहुँचे। टारगेटेड ग्रोथ रेट क्या था, 8% का था। लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर किया गया सोशल सर्विस पे, ठीक है, लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर किया गया सोशल सर्विस पे। टारगेटेड ग्रोथ कितना रखा गया, टारगेटेड ग्रोथ रखा गया 8% का। लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर सोशल सर्विस पे किया गया। मोनिटरेबल टारगेट जो था इसमें कि भैया 8% का ग्रोथ ओवरऑल GDP में हो, 4% का ग्रोथ एग्रीकल्चर वाले GDP में हो, 10% का ग्रोथ हो मैन्युफैक्चरिंग में, और 10% का रिडक्शन हो जाए इन हेड काउंट बेस्ड पॉवर्टी में, ठीक है। जितना भी पॉवर्टी था उस समय का उसका 10% कम हो जाए, ये टारगेट था। क्रिएशन ऑफ 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये भी टारगेट था, ठीक है। और ब्रिंग टोटल फर्टिलिटी रेट एट 2.1 लेवल बाई एंड ऑफ द प्लान, ये भी टारगेट था, ठीक है, ये भी टारगेट था। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अर्स्ट वाइल प्लानिंग कमीशन को इसी ने ही रिप्लेस किया था ऑन 1st January 2015 बाई, ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बाई यूनियन कैबिनेट रिजोल्यूशन। तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है। फंक्शन क्या है, ये एक थिंक टैंक की तरह काम करेगी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर गिविंग सजेशंस ऑन पॉलिसी इशूज, कीपिंग इन व्यू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब कि राज्यों के साथ एक कोऑपरेशन बनाने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशंस देगी
ऑन द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज हो तमाम तरीके की, एक थिंक टैंक की तरह काम करेंगी, टीम इंडिया हब है, तमाम चीज़ें इसमें। टू बिकम मोर इंक्लूसिव एंड इफिशियंट देन इट्स प्रीडिसेसर इंस्टीट्यूट प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन का ही ये अगला, मतलब इसको टेक ओवर किया प्लानिंग कमीशन को इसने। तो इसका फंक्शन क्या है कि भैया ज़्यादा इंक्लूसिव बने, इफिशियंट बने, अपने प्लानिंग कमीशन से ज़्यादा बने। नेचर क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्जीक्यूटिव बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। चेयरमैन इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं। गवर्निंग काउंसिल जो है इसमें जो मेंबर होते हैं वो CM ऑफ ऑल स्टेट्स रहते हैं, और जो LG हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ UTs भी इसमें रहते हैं। फर्स्ट चेयरमैन इसके कौन थे, नरेंद्र भाई मोदी उस समय के प्राइम मिनिस्टर, अभी के भी, एंड फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, काफ़ी देर तक रहे। करंट जो हैं वो सुमन बेरी हैं। फर्स्ट CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत, प्रेजेंटली अभी जो हैं वो हैं पी अय्यर, यानी कि परमेश्वरन अय्यर। ऑब्जेक्टिव क्या है नीति आयोग का, नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नंबर वन है टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक राज्यों का कोऑपरेशन आपको नहीं मिलेगा या आप राज्यों को कोऑपरेट नहीं करेंगे एज ए यूनियन गवर्नमेंट, डेवलपमेंट इज अ फा फा अवे, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है टू प्रमोट डेवलपमेंट थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स, वही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही है। टू अडॉप्ट बॉटम अप अप्रोच, यानी कि बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि आप ग्राउंड लेवल से अप्रोच कीजिए, ऐसा नहीं कि सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन अपनाइए, पंचायती राज से आप वहाँ से पहले प्लान लीजिए, फिर वो ऊपर आए, फिर फर्दर आते आते ऊपर तक आए। तो बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। टू डेवलप सिस्टम फॉर विलेज प्लानिंग एंड टू इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एंड डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट। टू इनकरेज नॉलेज एंड इनोवेशन ऑल्सो एंड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो नीति आयोग क्या है, इंडिया के लिए, स्टेट्स के लिए, इंडिया के स्टेट्स के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स जारी करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव किया जा सके। कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इट वॉज रिलेटेड टू अप्रूवल ऑफ 5-year प्लान। NDC जो था वो अप्रूव करता था 5-year प्लान को। चेयरमैन ऑफ इंडिया विजन 2020 वॉज डॉक्टर SP गुप्ता। इकोनॉमिक प्लानिंग इज सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल बार बार पूछा जाता है इस पर कि इकोनॉमिक जो प्लानिंग है उसका सब्जेक्ट क्या है, कौन से सब्जेक्ट में आता है। रिजोल्यूशन ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज अडॉप्टेड इन 2nd 5-year प्लान, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज अडॉप्टेड इन 2nd 5-year प्लान। द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन हेरोड डोमर मॉडल। फर्स्ट 5-year प्लान जो था इंडिया का किस पे बेसिस था, बेस्ड था वो हेरोड डोमर मॉडल पे। पीरियड बिटवीन 1966 टू 1969 वॉज रिगार्डेड एज प्लान होलीडे इन इंडिया, क्योंकि इस समय जो था वार हो जाने की वजह से, दो वार हो गए थे इनफैक्ट 1962 में चाइना का और 1965 में पाकिस्तान वाला वार, तो प्लान होलीडे लिया था हमने, एनुअल प्लान लाया था 1966 से 69 के बीच में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द प्लानिंग चैप्टर। अब हम देखेंगे अगला चैप्टर मनी एंड बैंकिंग अगले वीडियो में। बाय बाय।